ये दो परिवार 40 साल तक ठगते रहे इस देश को और आज भी ये ठगने का प्रयास कर रहे हैं। बट देयर टाइम इज अप नाउ, देयर टाइम इज अप। क्या हमारे बगैर कोई गुजारा नहीं? बहुत हाल। मैं आई एम गिविंग यू द एविडेंस, गिविंग यू द फिगर्स, गिविंग यू द स्टैटिस्टिक्स ऑफ द नंबर ऑफ यूथ हु हैव इमर्ज फ्रॉम द मोस्ट टेरर अफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कश्मीर एंड डन बेटर फॉर देमसेल्व्स कंपेयर टू देयर पीयर्स इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। एंड देयरफॉर टू कंक्लूड आई वुड जस्ट से that we are a part of a global world and India today Meghwal ji ka desh hai ke is baar sher nahi aaya to main matri itna kahunga ki we are part of a global world and India has already become an intrinsic part of this global world and we have no right, absolutely no right to deprive the citizens of Jammu and Kashmir to be a beneficiary of this global culture which is developing. Enormous avenues are unfolding in contemporary India, particularly under the leadership of Prime Minister Modi. The youth of Kashmir has moved on in the development journey of new India. हमें कोई अधिकार नहीं हमें से वंचित रखे 370 और इस प्रकार के दूसरे अड़चने ला करके। और जैसे मेघवाल जी ने कहा कि हमारी आकांक्षाएं एक जैसी, हमारी उम्मीदें एक जैसी, हमारी मजबूरियां, हमारी बेबसियां भी एक जैसी, हमारा इतिहास एक जैसा, तो शेर इन्होंने मांगा तो शेर है एक कि मेरी जमीन भी क्लूड। आई विल जस्ट से दैट द कॉमन मैन ऑफ कश्मीर हैज मूव्ड ऑन। सम ऑफ द पॉलिटिशियन फ्रेंड्स आर स्टिल स्टक इन द पास्ट एंड दे आर स्टिल ट्राइंग द ट्रिक्स ऑफ द पास्ट, बट दिस इज द थर्ड जनरेशन पोस्ट 90 जनरेशन, दे गो बाय एविडेंस। वो अपने माता पिता पर भी तब तक यकीन नहीं करते जब तक तर्क के साथ उनके आगे बात न